शेफ, आपने कहाँ से शुरुआत कर दी शेफ, थोड़ा सा एक बायो अगर आप मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं कहूँगा कि ये 1971 की बात है जब मैं ग्रेजुएशन अभी कर ही रहा था। हाँ जी। तो इच्छा हुई कि कोई प्रोफेशनल कोर्स किया जाए। हाँ जी। हाँ जी। जैसे कि आपको अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। हाँ जी। तो उन दिनों में मेरा एक फ्रेंड था इन ओबेरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, अभी द ओबेरॉय कहा जाता है। हाँ जी। तो ही इंट्रोड्यूस मी टू दिस इंडस्ट्री। तो मैं 1971 में द ओबेरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल दिल्ली में आई ज्वाइन इन ट्रेनिंग डिवीजन। ओके। एंड साइड बाय साइड आई वाज जस्ट कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ जी। तो I joined the department in training division. They were doing training for their they were training managers, for their chain. So was even chefs. So there I was truly inspired by this industry and especially this profession. Because in 70 this age of profession ka. इसमें ज़्यादातर जो शेफ्स थे या कुक्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, दे वर मास्टर्स इन सी करेक्ट सर उन दिनों, राइट। हाँ। एंड जिनके फादर फोर फादर्स वर कज़ामाज एंड हाँ जी ना, राइट। हाँ जी। सो इट वाज अ टफ डिसीजन यू नो, बिकॉज इट वाज अ वेरी ट्रांजिशनल पीरियड यू नो उस टाइम पे, कि हमें दिख रहा था कि आने वाले टाइम पे इंडस्ट्री टूरिज्म बढ़ रहा था और यू नो एंड इसके भी बड़े प्रॉस्पेक्ट। तो मैंने तो आई वॉज रियली ट्रूली इंस्पायर्ड, तो मैंने ज्वाइन किया उस टाइम पे एज किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ओके। दे हैड ए प्रोग्राम कॉल्ड किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ओके। और 2+3 years। तो क्या मैंने एट द ओबेरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल एंड आफ्टर दैट आई वॉज सेंट टू फ्रांस फॉर स्पेशलाइजेशन। हाँ जी। एक मैंने काफ़ी बड़े बड़े शेफों के साथ बड़े बड़े होटल्स में इन फ्रांस मैंने काम किया इन फ्रेंच क्यूजीन। मेरी तमन्ना थी क्योंकि इसको वहाँ जाने के लिए एक कंडीशन थी कि यू नो मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए। हाँ जी। सो आई डिड इंटेंसिव कोर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज। ओके। मैं कहूँगा आज इतने साल हो गए हैं, आज तक मुझे कोई शेफ नहीं मिला जो फ्रेंच बोल भी पाए और यू नो पढ़ भी पाए और लिख भी पाए। सो दैट हैज़ ट्रूली हेल्प। कहते ना कि जो फ्रेंच क्विजीन है मदर ऑफ ऑल क्विजीन। हाँ, करेक्ट। तो ये मेरा एक इच्छा थी कि मैं बाहर पढ़ के आऊँ, बाहर ट्रेनिंग लेके आऊँ। फिर मैं आई केम बैक फ्रॉम फ्रांस इन 75 एंड इनफैक्ट 75-76 आई वॉज देयर। मैंने केम बैक, मैं दो ओबेरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल में काम किया, श्रीलंका में काम किया, फिर मैंने कई पोजीशन में काम किया और आई ट्रेवल द वर्ल्ड एंड गॉड हैज बीन रियली काइंड। फिर मुझे एक्सपोजर मिलता गया और विद गॉड्स ग्रेस एंड बेस्ट विशेज ऑफ यू नो माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड बॉसेस। तो यू नो इट्स बीन ए वेरी सक्सेसफुल जर्नी। करेक्ट शेफ। और आप बहुत शेफ, अभी होता है ना हम लोग YouTube पे इतनी चीज़ें देख रहे हैं, TV's पे इतनी चीज़ें देख रहे हैं, बट जो रियल शेफ होता है वो वही होता है जो होटलों में काम करते हैं। अभी जैसे अगर आप मुझे भी देखोगे तो मैं भी 2019 पे वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर नॉट द रियल शेफ, दे आर द रियल शेफ, बिकॉज एक्चुअली में यही काम है और लिमिट नहीं है इस काम में कि भाई आपको एक शेफ बन के रह जाना है। शेफ वाइस प्रेजिडेंट है, बाकी के शेफ की बहुत सारी चीज़ें हैं। शेफ के वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग वहां से भी शेफ की जो जर्नी है पूरी की पूरी नोट डाउन कर सकते हैं, उसे देख के आप लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं।